हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर विकुमार ग्रुप चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हम एक वीडियो का आज जो कि लाए हैं, बॉसिस का FC, ये गामा बेंजोइन एंड हेक्सा क्लोराइड एंड सेट्रीमाइड लोशन है। तो दोस्तों बेसिकली ये काम क्या करता है इसके बारे में हम बताएंगे, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, कब इसे यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में आज ब्रीफली आप लोगों को समझाएंगे। तो दोस्तों उससे पहले आप जानते हैं हमारे वीडियो पर अगर नए आए हैं चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एक वीडियो बनाने में कम से कम 500 MB यूज़ करते हैं आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो गामा बेंजाइन हेक्सा क्लोराइड है ये किस काम के लिए होता है इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है, बाकी इसमें बहुत से क्वालिटी के आते हैं। ये एक आता है कि नॉर्मल यंग एज के लिए, एक आता है चाइल्ड के लिए आता है। यंग एज में मतलब हम लोग एल्डर एंड एजड लोग आते हैं, और चाइल्ड में 12 साल तक के बच्चों को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली तो वैसे चाइल्ड के लिए है, और इसका आप देख भी सकते हैं, इस पर लिखा भी है कि किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। यूज़ क्या, छोटे छोटे जैसे रैसेस निकल आते हैं हाथों में, दाने निकल आते हैं, उसके लिए मेन करके इसे यूज़ करते हैं। हाथों में जब दाने निकल आते हैं तो इसे यूज़ कर लेते हैं, और 7 दिन के बाद दोबारा इसे यूज़ करते हैं। एक बार हम इसे आँखों पे, लिप पे और नोज़ पे, जहाँ हाई सेंसिटिव जो होती हैं हमारे शरीर की चीज़ें, जैसे कि आँख, नाक और रेक्टर वगैरह, तो वहाँ पर इसे नहीं लगाते हैं, बाकी हर जगह हम इसे यूज़ करते हैं। पूरे शरीर में अगर आपके दाने, हल्का खुजली होने लगी है तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। पूरे शरीर में एक बार लगा लीजिए और 5 मिनट में सूख जाता है, उसके बाद इसे आप धुल सकते हैं। इस तरीके के बहुत से लोशन मार्केट में उपलब्ध हैं, और जब इसे एक बार यूज़ कर लेते हैं तो ये बहुत जल्दी फ़ायदा दिख जाता है, 2 से 3 दिन में। और दोबारा इसे 7 दिन बाद यूज़ करना होता है, 7 दिन से पहले इसे यूज नहीं करेंगे, और 2 बार भी यूज़ करेंगे तो ये फ़ायदा कर जाता है। कोई कॉस्टली होता नहीं है, ये 86 रुपीज़ का है, और ये ग्लेन स्मिथ कंपनी का है, बहुत सी कंपनियों का मिल जाता है। आप किसी भी दुकान पर जब जाएँगे तो इसे जेनरिक ना लें, पेटेंट लें तो बहुत अच्छा। ये तो एक जेनरिक है, क्योंकि हमें जेनरिक मिला है तो यहाँ पे हमने जेनरिक का वीडियो आप लोगों के बना दिया। पेटेंट जब लेंगे तो इसमें ये जो आपका लिखा होता है गामा बेंजाइन हेक्सा क्लोराइड एंड सेट्रामाइड लोशन, ये इसका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन वही होना चाहिए जो नाम होता है, बोलिस्कैब सी, ये एक जेनरिक है, तो जेनरिक के तरीके से नाम है, जिसका जो बनाता है वो अपने हिसाब से एक नाम लिख देता है। तो नाम पर आप मत जाइए, जो इसका सोल्यूशन है उस पर आप देखिएगा, और इस पर लिखा भी है कि इस हिसाब से टेक सोल्यूशन एंड रब इज वेल टू डैम्पन ऑल हेयर एंड स्कैल्प। ये आप सर में, पूरे हाथों में, बदन में, पैरों में, पेट, सर, सब में लगा सकते हैं। आँख, नाक, रेक्टल, ये कुछ सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं उनको छोड़ के, बाकी ये फ़ायदेमंद बहुत होता है। आप वैसे अगर घाव पे इसे बिल्कुल नहीं लगा सकते, जो स्किन में रैसेस हों, जो फूटने वाले दाना ना हों, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसे नहीं, जो रैसेस हों, छोटे छोटे दाना जैसे घमौरी तरीके से होते हैं उस तरीके के निकल आते हैं, और खुजली ज़्यादा होती है, सर में होती है, पैर, हाथ, पूरे शरीर, बदन में, तब इसे लगा सकते हैं। कभी कभी देखते होंगे तो हर एक हाथों में निकल आता, उस हिसाब से तब ये यूज होने के लिए होता है। तो दोस्तों और इसमें अगर कोई आपको सोल्यूशन या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बात कर सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।